गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन. फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माई नोज माई लाइफ. दोस्तों, जैसे विगत कुछ एपिसोड में अपने नोज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, वैसे ही आज माई नोज माई लाइफ नोज के प्रोग्राम में एक नोज की बड़ी कॉमन समस्या का चर्चा करेंगे, दैट इज़ DNS. सो क्या है DNS, क्या DNS के कॉजेज हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हैं, एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम. सो हम चर्चा करेंगे विभिन्न नोज के समस्या DNS. सो दोस्तों, सबसे पहले अपने को ये जानना होगा कि व्हाट इज़ DNS. DNS दैट मीन्स डेविटेड नेजल सेप्टम. सो जो गोड ने जो अपना नोज जो बनाया है, सो नोज के बीच के अंदर एक पतली एक बोन होती है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, जिसको सेप्टम बोलते हैं. सो दैट डिवाइड द नोज इन द टू इक्वल पार्ट. दो सिमेट्रिकल इक्वल पार्ट में नोज को राइट और लेफ्ट साइड नोस्टल में डिवाइड करता है, और दैट सेप्टम इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द नोज. सो अगर ये जो सेप्टम है वो ऑफ लाइन में अगर होता है, नोज के जो सेंटर से डेविटेड होता है, सो उसको DNS यानी डेविटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं. सो ये एक DNS प्रॉब्लम होती है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉजेस. व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ द DNS. सो DNS के जो कॉजेज हैं उसको जानने के लिए वी कैन डिवाइड इन द टू कैटेगरीज, लाइक एक कैटेगरी कंजेनाइटल और दूसरी एक्वायर्ड. कंजेनाइटल इट मींस जो जन्म के साथ जो प्रॉब्लम होती है उसको कंजेनाइटल बोलते हैं, जन्मजात विकृति. तो कई बार क्या है कि जन्म के समय ही ये प्रॉब्लम होती है, जो सेप्टम है वो डेविटेड होता है. और कई बार क्या है कि जो साइमल्टेनियस अदर जो विकृति होती हैं, लाइक जैसे क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, तालू और जो होंठ की जन्मजात विकृति होती है, उसके साथ में भी जो DNS की समस्या जो है वो पाई जाती है. दूसरा जो कैटेगरी है वो एक्वायर्ड प्रॉब्लम. एक्वायर्ड में क्या होता है कि जन्म के बाद में. सो जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है, जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो लिटरेचर में भी मेंशन है, वो है ट्रॉमा. ट्रॉमा मोस्ट कॉमन कॉज है DNS का. अब वो ट्रॉमा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTE के कारण भी हो सकता है, वो ट्रॉमा मीनवाइल प्लेइंग के कारण भी हो सकता है, फुटबॉल इंजरी है, क्रिकेट बॉल इंजरी है, ठीक है ना. एंड थर्ड जो इसका जो रीज़न है वो फाइटिंग के टाइम भी, जैसे किसी के पंच लग गया, वो भी एक जो है वो DNS का को कर सकता है. और बहुत बार क्या है, जब चाइल्ड का जो बोर्न होता है, न्यू बोर्न का जो बोर्न होता है, सो ड्यूरिंग द डिलीवरी भी क्या है, नोज के ऊपर ट्रॉमा हो जाता है. सो ड्यूरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फाइटिंग के टाइम है, प्लेइंग के कारण है, चाइल्ड बोर्न के कारण, दीज ऑल आर एक्वायर्ड कॉज ऑफ द DNS. सो ये जो है DNS के कॉजेज होते हैं जिसके कारण ये डेवलप होता है. थर्ड इम्पोर्टेंट जो थिंग है दोस्तों, वो है व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द DNS. सो नोज में जब नोज की जो सेप्टम है वो ऑफ सेंट्रल होती है, दैट मीन्स जब डेविटेड होता है, तो दैट क्रिएट टू अनइक्वल एसिमेट्रिकल नोस्ट्रिल. यानी वन नोस्ट्रिल इज मोर देन मोर वाइडर देन नॉर्मल, एंड अनदर नोस्ट्रिल इज मोर नैरो देन नॉर्मल. सो जब नोस्ट्रिल की साइज अनइक्वल होती है, then it change the flow of the air in the nostril. So the patient develop the nasal blockage. जो narrow जो side है उसमें patient को nasal blockage की समस्या develop होती है, and he develop the difficulty in the breathing. Another symptoms है, that is the nasal discharge. Because जो narrow side जो nasal cavity है वहाँ पे, because है वो एक sinus system से जुड़ा हुआ होता है. सो वहाँ पे क्या है, एयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना और एयर को सॉफ्ट करना उसका वर्क है. सो व्हेन द नोज इज ब्लॉक्ड, सो इट ट्रिगर द इन्फेक्शन इन साइनस, एंड द पेशेंट डेवलप द साइनोसाइटिस. सो
जो नोज के अंदर जो साइनस में जो सीक्रेशंस बनते हैं दैट डिस्चार्ज कंटिन्यूसली एज ए पोस्ट, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, तो सारे दिन पेशेंट क्या है ऐसे हॉकिंग सेंसेशन उसको क्लीन करने के लिए भी करता रहता है। सो नेजल ब्लॉकेज एंड नेजल डिस्चार्ज ये कॉमन समस्याएं हैं। एंड इसके बाद जो प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हेन द फ्लो ऑफ द करंट ऑफ एयर इज चेंज इन द नोज, जब ये नोज के अंदर एयर फ्लो चेंज होता है, सो नोज के जो सेप्टम होता है, जो बीच में जो सेप्टम है उसके ऊपर जो म्यूकोजा है उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, उसके वो ड्राई होती है, उसमें क्रैक डेवलप होने से जो DNS का जो पेशेंट है उसको फ्रिक्वेंटली क्या है नोज ब्लीड की समस्या होती है, रिकरेंट उसको एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीड उसको फ्रिक्वेंटली आती रहती है। सो ये थर्ड जो है कॉमन सिम्टम्स है। अनदर जो कॉमन सिम्टम्स है वो है पेशेंट को कंटिन्यू जब ये नोज जो है वो ड्राई रहता है तो पेशेंट क्या है फ्रिक्वेंटली माउथ ब्रीदिंग करता है। सो पेशेंट को क्या है ड्राई माउथ, पेशेंट का ड्राई माउथ होता है और जो उसकी जो ब्रीदिंग होती है दैट इज द नोइजी ब्रीदिंग, पेशेंट डेवलप द स्नोरिंग समटाइम्स। सो ये भी एक DNS का सिम्टम्स होता है। अनदर सिम्टम्स ऑफ द DNS की बहुत बार जो ये डेविटेड जो ये टेढ़ा जो सेप्टम है वो क्या है कि ये जो नोज की जो म्यूकोजा है उसको प्रेस करता है, जो दूसरे टिश्यू हैं उसको प्रेस करता है। सो द पेशेंट डेवलप द हेडक एंड द फेशियल पेन, उसको डीप सीटेड पेशेंट को कंप्लेंट होगी कि मेरे को हेडक रहता है और यहाँ फेस के अंदर उसको पेन होता है। सो These are the common symptoms like nasal blockage, like nasal discharge, like recurrent nose bleeding, like noisy breathing, like dry mouth, like the headache, like the facial pain. These are the common symptoms of the DNS. So these are the functional problem of functional symptoms of the DNS. Another symptoms that is the cosmetic, because nose have the two function, one is functional, body को breathing provide करवाना, and another is the cosmetic, to provide beauty to the face, अपने चेहरे की सुंदरता देना। So other than these functional problem, another type की जो problem है वह cosmetic deformity हो सकता है। nose जो external जो appearance है वो deviated हो, वो टेढ़ा हो, वो तिरछा हो, so टेडी मेडी इस टाइप की जो विकृत जो नोज है वो भी बहुत बार क्या है जो है DNS की समस्या के कारण डेवलप होती है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, फंक्शनल सिम्टम्स और कॉस्मेटिक सिम्टम्स ऑफ द DNS। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ कैन बी डायग्नोसिस, कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाए। तो व्हेनेवर द पेशेंट कम, जब पेशेंट आता है तो उसको तीन तरीके से हम इसको डायग्नोस करते हैं। फर्स्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री एंड द फिजिकल, जो पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है कि लाइक जो जो अभी अपने जो डिस्कस किया एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपिक मतलब दूरबीन द्वारा, एंडोस्कोप दूरबीन से जो है वो पेशेंट का इंटीरियर जो है वो नोज का कम्प्लीटली विजुलाइज ऑन ए मोनिटर। सो उसमें अपने को पता लग जाता है कि ये राइट साइड डेविटेड है या लेफ्ट साइड डेविटेड है, राइट साइड की जो नोज की कैविटी है नैरो है या लेफ्ट साइड की है। सो बाई एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन वी डायग्नोस। थर्ड जो डायग्नोस का बाई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, लाइक एक नोज का एक PNS का एक एक्सरे होता है, उसमें भी जो वो डेविटेड बोन होती है वो अपने को उसमें विजुलाइज हो जाती है। और एक होता है CT स्कैन ऑफ द PNS, जो चेहरे की एक साइनस की एक CT स्कैन होती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज होते हैं। सो उसमें भी नोज की जो DNS की समस्या और उसके साथ में कोई और कोई भी पैथोलॉजी होती है वो अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो दिस इज द वे बाई विच वी कैन डायग्नोसिस दिस प्रॉब्लम। नाउ फोर्थ द इम्पोर्टेंट थिंग, वॉट इज द ट्रीटमेंट, कि इस समस्या का आपने डायग्नोसिस भी कर लिया देन क्या इसका ट्रीटमेंट है। सो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, अगर ओनली द पेशेंट हैव द DNS, उसको ओनली DNS की प्रॉब्लम है, तो उसको एक एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें एंडोस्कोप से पेशेंट को बाहर से कोई इंसिजन चीज फाड़ या उसको टाँका पट्टी इस टाइप में नहीं होता, वो टोटली प्रोसीजर एंडोस्कोपिक होती है और जो डेविटेड जो पार्ट है उसको सेंट्रल में कर दिया जाता है और जो एक्सिस जो पार्ट है उसको
रिमूव कर दिया जाता है। सो उससे क्या है, पेशेंट का फंक्शनल जो है वो जो उसका नोज का जो है दोनों नेजल कैविटी है वो सिमेट्रिकल और इक्वल हो जाते हैं। तो दिस इज द सेप्टोप्लास्टी। बट समटाइम्स पेशेंट साइमल्टेनियस अगर DNS के साथ में पॉलिप्स भी हैं नाक में, जिसको हम रसोली बोलते हैं, क्योंकि क्रोनिक जो एलर्जी पेशेंट होती है उसके कारण क्या उसको पॉलिप्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें साथ में उसमें फेस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मान लो DNS के साथ में पेशेंट को एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी है, लाइक उसका नोज जो है मिड लाइन से एक तरफ डेविटेड है, सो उस प्रोसीजर को एक सेप्टो राइनोप्लास्टी एक प्रोसीजर होती है। सो उसमें क्या है कि वी कैन रिसाइज एंड रीसेप द नोज और जो उसका जो ब्लॉकेज है वो भी ट्रीट किया जाता है। बहुत बार दोस्तों इसमें क्या है कि पेशेंट को बड़ा ये इश्यू होता है कि कब इसको ठीक कराना चाहिए, कौन सी एज है तो जिसमें तो इसको ठीक कराना चाहिए। तो जो यूजुअली जो नोज की जो सर्जरी है सेप्टोप्लास्टी के लिए 15 to 18 ईयर तक अपन इसको आइडियल एज होती है 16 से 17 साल पे। बट अगर पेशेंट का बहुत सीवियर नेजल ब्लॉकेज है, लाइक जैसे बच्चे को ब्रीदिंग नहीं आ रहा बिल्कुल भी एंड नोज ब्रीदिंग उसको नहीं हो रहा, पूरी रात भर वो स्नोरिंग कर रहा है एंड उसको माउथ ब्रीदिंग से उसकी हेल्थ पे डिटेरियस इफेक्ट हो रहा है या और कई सारे सिम्टम्स के डेंटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आ रहा है, तो अगर सीवियर उसका नेजल ब्लॉकेज है तो उसको 12 साल पे 10 साल पे भी पीडियाट्रिक सेप्टोप्लास्टी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। अभी ये सारी साधन और सुविधाएँ अवेलेबल होती हैं। सो द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको अगर अपन प्रिवेंट करना चाहें तो अगर प्रिवेंट करते हैं तो उसको वो समस्या की डेवलपमेंट से बचा जा सकता है। सो आई थिंक क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन रीजन है ट्रॉमा, सो ट्रॉमा से कैसे बचा जाए। शायद मीनवाइल मान लो आप ड्राइविंग है, यू ऑलवेज वियर द सीट बेल्ट, ऑलवेज वियर द ड्यूरिंग द टू व्हीलर यू ऑलवेज यूज द हेलमेट एंड वाइल द प्लेइंग यू यूज द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो इन बाकी सारी जो चीज़ों से क्या है अपने को बचा जा सकता है। सो दोस्तों ये सारी जानकारी DNS की जो समस्या है उसके बारे में हमने चर्चा की और आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आप सबके लिए बड़ा यूजफुल होगी। एंड एक बार फिर जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम माय नोज माय लाइफ में। मोर डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यू कैन लॉग इन माय फेसबुक पेज एंड जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। थैंक यू।